उत्तर प्रदेश के जनपद खुजावा थाना रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना रामगढ़ क्षेत्र हाईवे पर लूट करने वाले अंतरजनपदीय बदमाशों की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी व अभियुक्तों के कब्जे से नाजायज असलाह व चोरी लूट डकैती की मोटरसाइकिल व रुपए किए बरामद। वहीं फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कल दिनांक 10 जून 2021 को थाना रामगढ़ पुलिस थाना रसूलपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर रात लगभग 10 बजे ममता डिग्री कॉलेज से चनौरा पुल की तरफ हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है तथा 3 बदमाश मौके से फायरिंग करते हुए अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग गए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गढ़ों ने अपने 3 अन्य साथियों सहित निम्नलिखित घटनाओं को स्वीकार किया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र में आगरा की ओर से आने वाले दंपति की नीली अपाची मोटरसाइकिल की लूट। जनपद आगरा के झरना नगला थाना क्षेत्र के दानापुर से एक नीले सफेद कलर की अपाची मोटरसाइकिल, नई मॉडल की लूट। पिपरिया थाना क्षेत्र एदमापुर से मोबाइल फोन 85,000 की लूट। जनपद मथुरा के रिफाइनी थाना क्षेत्र से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की लूट। जनपद आगरा से एक पल्सर मोटरसाइकिल की लूट। उक्त मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में जानकारी दी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अनूप कुमार तिवारी निरीक्षक थाना रामगढ़, अजय किशोर प्रभारी निरीक्षक थाना रसूलपुर, विक्रांत तोमर प्रभारी सर्विलांस टीम, उमेश सिंह थाना रामगढ़, दिनेश कुमार तिवारी रामगढ़, ऋषि सिंगल थाना रामगढ़, शैलेंद्र थाना रसूलपुर, नकुल थाना रसूलपुर, फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल ने थाना रामगढ़ पुलिस को 20,000 रुपए नगद इनाम दिया है। फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। पुलिस का किस तरह का खुलासा? देखिए, 8 तारीख को शाम को सुनील एक व्यक्ति हैं, उनकी मोटरसाइकिल छीन लिया और पता ये चला कि 2 मोटरसाइकिल पे 6 लोग आए थे, छीन लिए। एक आध मोटरसाइकिल पीछे फॉलो भी कर रही होगी, छीन लिए। उसका शोर मचा सेट पे, हमें भी जानकारी हुई, मैंने इंस्पेक्टर को लगाया, अपनी चेकिंग लगाई। हॉट चेज में अमन नाम के एक आदमी को पकड़ लिया हम लोगों ने, बाकी लोग भाग गए। उनसे हमने डेवलप किया, उनके भागे 2 साथी मोनू और गलवी भी पकड़ गए और 3 गाड़ियां हमने बरामद की उनसे। एक गाड़ी आपकी अपाचे पल्सर है, एतमादपुर आगरा में 395 धारा में IPC में मुकदमा दर्ज है, वो गाड़ी रिकवर हुई। एक रिफाइनरी में चोरी हुई थी, वो रिकवर हुई। तीसरी अभी कनेक्ट नहीं हो पाई है क्योंकि इनके 2 साथी अभी रह गए हैं, तो तीसरी भी कनेक्ट करेंगे। और इन्होंने 1900 रुपये एतमादपुर से किसी व्यक्ति का छीना था, राह चलते व्यक्ति का, वो भी रिकवर हो गया, वो भी मुकदमा लिखा हुआ है। तो ये 3 मुकदमे जो लिखे हुए थे ऑलरेडी, वो गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, मतलब दैट कन्फर्म्स कि ये जेन्युइन रिकवरी है। जब कहीं चोरी लिखी होती है, लूट लिखी होती है, वो गाड़ी मिलती है, तब हम मानते हैं कि हाँ ये सही वर्कआउट हुआ है और ये सही मुलजिम है। तो ये 3 मुलजिम अकाउंट फार हुए हैं, अभी 2-3 इनके साथी और हैं, उनको हम रिकवर करेंगे, पकड़ेंगे और इस तरह से पूरा इनका गैंग वर्कआउट करके गैंगस्टर लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटरसाइकिलें छिनती रहती हैं, पहले लोग साइकिल से चलते थे, अब सब मोटरसाइकिल से चलते हैं, इतनी कॉमन हो गई है कि छिनती रहती है, लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन पब्लिक परेशान होती है छोटी मोटी गति। अब 1900 रुपये किसी का छिन गया, कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जिसका छिनता है उसे तकलीफ होती है। 19,000 अगर खर्च हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 19 रुपये भी गिर जाए तभी संतोष होता है, लेकिन कोई छीन ले तो बर्दाश्त नहीं होता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रसूलपुर की और रामगढ़ की। पूरी टीम को मैं 10,000 रुपये का इनाम देता हूँ और सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि इसी तरह से जो मोटरसाइकिल हैं, चैन हैं, छोटी मोटी टप्पेबाजी है, इनका पूरा नेस्तनाबूत कर दें। सर, इन अभियुक्तों का कोई पुराना इतिहास है? हाँ, इन अभियुक्तों का पुराना इतिहास भी है, अभी इनको खंगाला जा रहा है, अभी पूरी इनसे इंट्रोगेशन नहीं हो पाई है, ये पहले भी गए हैं जेल, सब कुछ कानून की परिधि में ला करके इनको कड़ा सकड़ा दंड दिलाने का प्रयास किया। ठीक है।